ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वीसीडी नंबर 1458, मुरली डेटेड 9/2/1962, क्लैरिफाइड ऑन 10/4/2011। ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 9 फरवरी 1962। ओम शांति। टुडेज मॉर्निंग क्लास इज ऑफ द 9 फरवरी 1962। रिकॉर्ड चला है इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। द रिकॉर्ड प्लेड इज Take me somewhere far away from this sinful world. बच्चे जानते हैं कि दुनिया तो एक ही है। The children know that there is just one world. एक पाप आत्माओं की दुनिया और एक पुण्य आत्माओं की दुनिया। One is the world of sinful souls and the other is the world of meritorious souls. तो एक ही दुनिया के दो पार्ट हैं। सो देर आर टू पार्ट्स ऑफ जस्ट वन वर्ल्ड। नई दुनिया और पुरानी दुनिया। द न्यू वर्ल्ड एंड द ओल्ड वर्ल्ड। नई दुनिया को सत्ययुग कहा जाता है। सत्य प्रधानता का युग। द न्यू वर्ल्ड इज कॉल्ड सतयुग, द गोल्डन एज, द एज डोमिनेटेड बाय गुडनेस एंड प्यूरिटी। फिर वो ही दुनिया जब पुरानी होती है तमो प्रधान बनती है तो कलयुगी दुनिया कहा जाता है। लेटर व्हेन द सेम वर्ल्ड बिकम्स ओल्ड, when it becomes dominated by darkness and ignorance, it is called the iron age world. नई चीज में सुख होता है। New things bring happiness. पुरानी में दुख हो जाता है। Old things lead to sorrow. जैसे नए महल में सुख होता है, वो ही महल जब पुराना हो जाता है तो दुखदाई हो जाता है। जस्ट एज अ न्यू पैलेस गिव्स हैप्पीनेस, व्हेन द सेम पैलेस बिकम्स ओल्ड, इट बिकम्स सोरो गिविंग। जब दुखदाई हो जाता है तो पुराने महल को तोड़ा जाता है। व्हेन इट बिकम्स सोरो गिविंग, द ओल्ड पैलेस इज डेमोलिश्ड। सतयुग में पुण्य आत्माएं रहती हैं, कलयुग में पाप आत्माएं रहती हैं। इन द गोल्डन एज देर आर नोबल सोल्स, इन द आयरन एज देर आर सिंफुल सोल्स। और पाप आत्माएं ही पुकारती हैं कि एक पतित पावन परम पिता परमात्मा हमको इस पाप की दुनिया से कहीं ले चल। एंड इट इज द सिंफुल सोल्स हु कॉल आउट, ओ द प्यूरिफायर ऑफ द इम्प्योर, द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल, टेक अस समवेयर फार अवे फ्रॉम दिस सिंफुल वर्ल्ड। वहां ले चले जहां सुख और शांति हो। टेक अस टू अ प्लेस वेयर देयर इज हैप्पीनेस एंड पीस। तुम जानते हो कि दुख देने वाले हैं ये पांच विकार। यू नो दैट दीज फाइव वाइसेस आर द वंस दैट गिव सोरो। दस शीस वाला माया रावण। द टेन हेडेड माया रावण। वो सबसे बड़ा दुश्मन है। ही इज द ग्रेटेस्ट एनिमी। उसमें भी भगवान ये बात समझाते हैं कि काम विकार सबसे बड़ा शत्रु है। इवन अमंग देम दैट इज
the five vices, God explains that the vice of lust is the greatest enemy. वो आदि मध्य और अंत दुख देने वाला है. It is the one that gives sorrow in the beginning, middle and the end. अर्थात पूरा ही नरक में ले जाते हैं. Meaning, it takes completely into hell. क्रोध के लिए नहीं है ऐसे कहेंगे कि आदि मध्य अंत दुख देने वाला है. It won't be said for anger that it gives sorrow in the beginning, middle and the end. तो ये काम है सबसे बड़ा शत्रु. So, this lust is the greatest enemy. इसलिए कहा जाता है इस काम महाशत्रु को ज्ञान तलवार से मारो अथवा जीतो. That is why it is said, kill this greatest enemy lust with the sword of knowledge or else win over it. और इनको जीतने से ही तुम अमर लोक में जा सकते हो. And you can go to the immortal world only by becoming victorious over it. तो फर्स्ट नंबर में है काम और सेकंड नंबर में है क्रोध. सो इन द फर्स्ट प्लेस इज लस्ट एंड इन द सेकंड प्लेस इज एंगर. क्रोध से एक दुख दुख पहुंचाते हैं. थ्रू रेटफुलनेस दे गिव सोरो टू वन अनदर. या तो मुख से दुख पहुंचाते हैं या कर्मेंद्रियों से दुख पहुंचाते हैं. दे गिव सोरो इधर थ्रू द माउथ और थ्रू द कर्मेंद्रिया. तो कुख की कर्मणा है. सो इट इज द एक्शन ऑफ द वूम. अपन लिखते भी हैं वो है कुख वंशावली. वी ऑल्सो राइट दोज वंस आर द वूम बॉर्न प्रोजेनी. कोख से जन्म लेते हैं ना. दे आर बॉर्न थ्रू द वूम aren't they? अपन तो कोख से जन्म नहीं लेते. वी aren't born through the womb. अपन तो मुख से जन्म लेते हैं. तो मुख वंशावली ब्राह्मण ठहरे. वी आर बॉर्न थ्रू द माउथ. सो वी आर द माउथ बॉर्न प्रोजेनी ब्राह्मिन्स. वो है कुख वंशावली ब्राह्मण. दे आर द वूम बॉर्न प्रोजेनी ब्राह्मिन्स. शूटिंग कहाँ होती है. वेयर डज द शूटिंग टेक प्लेस. कैसे होती है. स्टूडेंट्स इन द कॉन्फ्लुएंस एज हाउ डज इट टेक प्लेस. जो ब्रह्मा या ब्रह्मा कुमार कुमारियों की देह को या गोह कोख को याद करते हैं तो वो है कुख वंशावली ब्राह्मण. दोज हू रिमेम्बर द बॉडी और द लैप ऑफ ईदर ब्रह्मा और द ब्रह्मा कुमार कुमारीज दे आर द वूम बॉर्न प्रोजेनी ब्राह्मिन्स. और जो ब्रह्मा के सुनाए हुए ज्ञान को याद करते हैं. And those who remember the knowledge narrated by Brahma. क्योंकि ज्ञान तो मुख से ही सुनाया जाता है. Because the knowledge is narrated through the mouth itself. तो उनको कहा जाता है मुख वंशावली ब्राह्मण. They are called the mouth born progeny Brahmins. अपन को तो शिक्षा मिलती है कि काम को जीतो. ये महादुश्मन है. वी डू रिसीव द टीचिंग विन ओवर लस्ट दिस इज द ग्रेटेस्ट एनमी. इन पांच विकारों रूपी ग्रहण लगने से ही हम काले बन पड़े हैं. वी हैव बिकम ब्लैक
जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग एक्लिप्स्ड बाय दिस फाइव वाइसेस। जैसे सूर्य को ग्रहण लगता है, जस्ट एज द सन इज एक्लिप्स्ड, पूरा ग्रहण लगता है तो अंधेरा हो जाता है। देन देर इज कंप्लीट एक्लिप्स, देर इज डार्कनेस। वो तो है हद का ग्रहण, दैट इज द एक्लिप्स इन द फिजिकल सेंस। और हम सूर्यवंशियों का है बेहद का ग्रहण। एंड फॉर अस सूर्यवंशीज इट इज द एक्लिप्स इन द अनलिमिटेड सेंस। अज्ञान अंधकार में आ जाते हैं, वी कम इन द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। वो ग्रहण भी आहिस्ते आहिस्ते लगता है, और ये भी आहिस्ते आहिस्ते लगता है। दैट एक्लिप्स टेक्स प्लेस ग्रेजुअली एंड दिस वन ऑल्सो टेक्स प्लेस ग्रेजुअली। आहिस्ते आहिस्ते ग्रहण लगते लगते अब हम पूरे काले बन गए। By gradually being eclipsed, we have become completely black now. तो बाप समझाते हैं, तुमको इन पांच विकारों ने काला किया है। So the father explains, these five vices have made you black. इतना काला किया है जो काले मुंह वाले बंदर बन जाते हैं। They have made you so black that you become black-faced monkeys. या तो फिर काम अग्नि में तप करके लाल बंदर हो जाते हैं। Or else you burn in the fire of lust and become the red monkeys. काम की आग पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। When the fire of lust isn't fulfilled, anger comes. क्रोध में जैसे लाल तांबे जैसे हो जाते। They become red like copper in anger. अभी फिर बाप आकर शक्ति देते हैं, इन विकारों पर जीत पहनाते हैं। ये योग की शक्ति है। Now the father comes again and gives power. He makes us win over these vices. This is the power of yog. क्योंकि बाप तो है ही निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, तो उनको याद करने से हम भी निर्विकारी निरहंकारी बनते हैं। Because the father himself is incorporeal, viceless, egoless. So by remembering him, we also become viceless, egoless. विकारों पर जीत पाते हैं। We win over the vices. पहले तो नंबर वन शत्रु पर जीत पानी है। First, we certainly have to win over the number one enemy. बाप के बच्चे बनेंगे, अर्थात आत्मा बनेंगे, तो हमको भी निश्चय होगा कि अब हम सब आपस में ब्राह्मण ब्राह्मणियां भाई बहन हैं, क्योंकि हम आत्माओं के बाप ने ब्रह्मा का तन लिया है। When we become the children of the father, meaning we become a soul, we too will have the faith that now we, the Brahmin Brahminis, are brothers and sisters for each other, because the father of we souls has taken the body of Brahma. जिस तन में प्रवेश होते हैं उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। The body which he enters, he names him Brahma. तो हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां आपस में भाई बहन हो गए। So we Brahmin Brahminis are brothers and sisters for each other. कहेंगे शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हुए। It will be said that we are the grandsons and granddaughters of Shiv Baba. लौकिक दुनिया में भी नजदीक वाले संबंध में कब शादी नहीं कराते हैं। Even in the Laukik world, they don't arrange marriages
बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स। ये ला नहीं है। देयर इज नो सच लॉ। खास भारत में, स्पेशली इन भारत। तो हम सूर्यवंशी हैं। सो वी आर द सूर्यवंशीज। आपस में भाई बहन हैं। वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अमंग ईच अदर। नजदीकी संबंध है। इट इज अ क्लोज रिलेशनशिप। कहेंगे हम तो बहुत नजदीक संबंध वाले हो गए। इट विल बी सेड दैट वी बिकेम वेरी क्लोज रिलेटिव्स। एक बाप ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं ना। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ वन फादर द सन ऑफ नॉलेज आंट वी। हमारी दृष्टि अगर जावेगी विकार की तो बाहर वालों में जावेगी। इफ अवर विशियस विजन गोज टूवर्ड्स समवन इट विल गो टूवर्ड्स दोज इन द आउटसाइड वर्ल्ड। दुनिया में भी बाहर वालों से सगाई कराते हैं। कुटुंब के अंदर कब सगाई नहीं करावेंगे। इवन इन द वर्ल्ड दे अरेंज मैरिजेस विद दोज आउटसाइड द फैमिली दे नेवर अरेंज मैरिजेस विद इन द फैमिली। तो हमारा भी ये बेहद का कुटुंब है। सो दिस इज ऑल्सो एन अनलिमिटेड फैमिली ऑफ अवर्स। अभी हम भाई बहन ठहरे। वी आर नाउ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये है युक्ति काम विकार पर जीत पाने की। दिस इज द टैक्ट फॉर विनिंग ओवर द वाइस ऑफ लस्ट। ये जीत पावेंगे। प्रैक्टिकल में बच्चे बनेंगे। सूर्यवंशी भाई बहन बनेंगे। तब ही हम शिव बाबा से वर्षा लेंगे। वेन वी बिकम विक्टोरियस इन दिस when we become the children in practice when we become the suryavanshi brothers and sisters only then can we take the inheritance from shiv baba। ab batao hum kudrasti kaise rakhenge। now tell me how can we keep a dirty vision। baba kehne wale ki aapas mein kudrasti rehne se ये तो बड़ा भारी क्रिमिनल असॉल्ट हो जाएगा। इफ दोज हु कॉल बाबा हैव अ डर्टी विजन फॉर वन अनदर इट विल सर्टेनली बी अ ग्रेट क्रिमिनल असॉल्ट। ये क्रिमिनल असॉल्ट करने वालों में भी फिर उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। अमंग दोज हु डू दिस क्रिमिनल असॉल्ट देर आर दोज हु आर द बेस्ट द मीडियोकर एंड द लोली। उत्तम उन्हें कहेंगे जिनको सिर्फ संकल्प मात्र आता है। Those who only have thoughts will be called the best among them। कोई को तो बहुत थोड़े संकल्प आते हैं। Some have very few thoughts। संकल्पों की रील तो घूमती है। The reel of thoughts certainly rotates। 5000 वर्ष का ड्रामा है। संगम युग में रील तो घूमेगी। इट इज अ ड्रामा ऑफ 5000 ईयर्स द रील विल सर्टनली रोटेट इन द कॉन्फ्लुएंस एज। 63 जन्म में जो भी कर्म किए हैं जिन जिन के साथ किए हैं संगम युग में वो स्वप्न और संकल्पों की रील तो जरूर घूमेगी। Whatever actions you have performed in the 63 births, with whomever you have performed it, the reel of those dreams and thoughts will certainly rotate in the confluence stage. फिर कोई की थोड़ी घूमेगी, कोई की ज्यादा घूमेगी। Then, for some it will rotate less, and for some it will rotate more.
संकल्पों की रील बहुत घूमती है तो फिर प्यार कर लेते हैं। When the reel of thoughts rotates a lot, they fall in love. मन बुद्धि का लगाव जाता रहता है। The attachment of the mind and intellect keeps going. बाकी नग्न नहीं होते हैं। As for the rest, they don't become naked. उनको कहेंगे मध्यम। They will be called mediocre. और जो कर्मेंद्रियों के अर्थात कामेंद्रिय के वशीभूत हो जाते हैं उनको कहेंगे नीच, कनिष्ठ। And those who come under the influence of the karmendriya, meaning the organ of lust, they will be called lowly ones, the lowest. क्योंकि धक्का खाई लिए। It is because they have suffered a blow. कहेंगे काम रूपी सर्प ने इनको पूरा ही डस लिया। It will be said that the snake of lust has bit them fully. अभी बात समझाते हैं, इस काम पर पूरी जीत पानी है। Now the father explains, you should win over this lust completely. बीती भी बहुत देते हैं। He also gives you a lot of temptation. काम को जीतेंगे तो जगत जीत बनेंगे। If you win over lust, you will become victorious over the world. नहीं तो जितना जीतेंगे उतनी राजाई प्राप्त करेंगे। Otherwise, the extent to which you win, you will acquire the kingship to that extent. ये लक्ष्मी नारायण काम पर जीत पाने से जगत जीत बने हैं ना। These लक्ष्मी नारायण have become victorious over the world by winning over lust, haven't they? तो देखो कितनी अच्छी भीति देते हैं। So look, what a nice temptation he gives. कितना शुद्ध लोभ है। It is such a pure greed. यहाँ लोभ के बगैर तो कोई चल ही नहीं सकता। Here no one can continue without greed. ये पढ़ाई भी लोभ है। This study is also greed. इसको स्वार्थ नहीं कहेंगे। It won't be called selfishness. स्वार्थ रथ के लिए किया जाता है। Selfishness. स्वारथ इज डन फॉर द सेक ऑफ बॉडी, रथ दैट इज चैरियट। ये तो आत्मा की कमाई है। दिस इज सर्टनली द अर्निंग ऑफ द सोल। खास भव्य भविष्य 21 जन्मों के लिए। स्पेशली फॉर द फ्यूचर 21 बर्थ्स। तो हम ये पढ़ेंगे, इतना धन कमावेंगे तो ये भी हमारा लोभ हुआ। So we will study this, we will earn this much money, this is also our greed. एक होता है हद का लोभ। दैहिक लोभ। और दूसरा होता है बेहद का लोभ। One is the physical greed, the bodily greed, and the other is the unlimited greed. लोभ में विकार नहीं कहेंगे। There won't be said to be vice in greed. वो बेहद का लोभ है। That is the unlimited greed. मोह में विकार हो जाता है। There is vice in attachment. ऐसे देह अभिमानी बनने से ये सभी विकार आते हैं। In a way, all these vices come only when you become body conscious. तो नष्ट मोह भी बनना चाहिए। So you should become detached. मनुष्य जब मरते हैं तो कहते हैं राम राम कहो। When human beings die, it is said, say Ram Ram.
सबसे बुद्धि हटाए एक राम को याद करो। रिमूव द इंटेलेक्ट फ्रॉम एवरी वन एंड रिमेंबर वन राम। और सबसे पूरा नष्ट हुआ हो जाओ। एंड बिकम कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम एवरी वन। गैन भी है अंतकाल जो स्त्री से मेरे। तो नीचे गिरेगा। इट इज ऑल्सो सेड द वन हु रिमेंबर्स वुमन इन द एंड टाइम ही विल फॉल डाउन। अंतकाल नारायण को सुमिरे तो ऊंच पद पावे। द वन हु रिमेंबर्स नारायण एट द एंड टाइम ही विल अटेन अ हाई पोजिशन। ये ऊंच ते ऊंच पद है। दिस इज द हाईएस्ट पोजिशन। बाबा भी कहते हैं नष्ट मोह हो जाओ। बाबा ऑल्सो सेज बिकम डिटैच्ड। एक बाबा को याद करो। रिमेंबर वन बाबा। बाकी तुम कोई बीमार धीमार थोड़े ही हो जो तुमको बार बार कहा जाए। एज फॉर द रेस्ट यू आर नॉट सिक दैट यू वुड बी टोल्ड रिपीटेडली। घड़ी घड़ी कहने की दरकार ही नहीं। देर इज नो नीड टू से अगेन एंड अगेन एट ऑल। तुम बच्चे तो सब तंदुरुस्त हो। यू चिल्ड्रन आर ऑल हेल्दी। उसी समय कोई राम राम कहने से फायदा थोड़े ही होगा। देर इज नो बेनिफिट ऑफ सेइंग राम राम एट दैट वेरी टाइम। अर्थात लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए। Meaning, a long-term purusharth is needed. ये मोह भी बड़ा नुकसानकारक है। This attachment also brings great loss. मोह भी एक बाप से रखना है। You should have attachment to one father alone. लोभ का भी समझाया। Greed was also explained. बिगर लोभ के तो काम चल ही नहीं सकता। द जॉब वोंट बी डन विदाउट ग्रीड। और लोभ में भी क्रोध आ जाता है। एंड ग्रीड ऑल्सो ब्रिंग्स एंगर। लोभ की आस पूरी नहीं होती है तो एक दूका खून भी कर देते हैं। वेन द डिजायर ऑफ ग्रीड इजंट फुलफिल्ड They even kill one another. 9-2-62 की वाणी का दूसरा पेज। Second page of the Vani dated 9-2-1962. अपना तो शुद्ध लोभ है। Ours is pure greed. कि हम तो जन्म जन्मांतर के लिए बड़े बड़े साहूकार बनेंगे। That we will certainly become very wealthy ones for many births. राजघराने में कितना धन होता है। There is so much of wealth in the royalty. तो राजा बनना तो अच्छा ही है ना, ये ऊंच पद है। So it is good to become a king, isn't it? It is a high position. बाबा कहते हैं मुझे याद करो। बाबा सेज रिमेंबर मी। भगवान को याद करते हैं ना। गॉड इज रिमेंबर्ड इजेंट ही। नीच को याद करना है या ऊंच को याद करना है। शुड वी रिमेंबर द लोली वन और शुड वी रिमेंबर द हायर वन। भगवान कोई नीच थोड़े ही है। गॉड इज नॉट लोली। भगवान तो ऊंचे ते ऊंचे है। गॉड इज सर्टनली द हाईएस्ट ऑफ द हाई। जिसको भक्ति मार्ग में सभी याद करते हैं। हुम एवरीवन रिमेंबर्स इन द पाथ ऑफ भक्ति। और भक्तों को तो भगवान जरूर मिलना ही है।
एंड द डिवोटीज विल डेफिनेटली मीट गॉड। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास जाने के लिए भक्ति नहीं करते हैं। दे डोंट डू भक्ति टू गो नियर ब्रह्मा विष्णु शंकर। सब कोई भगवान के पास जाने के लिए भक्ति करते हैं। एवरीवन डज भक्ति इन ऑर्डर टू गो टू गॉड। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो देवताएं हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर आर सर्टनली डेटीज। उनको ऊंचे ऊंचे थोड़े ही कहेंगे। They won't be called the highest of the high. बल ऊंचे ऊंचे देवताएं तो हैं, परंतु उनसे भी ऊंचे तो भगवान है। Though they are the highest of the high deities, higher than even them is God. जिनकी भक्ति की जाती है। He is worshipped. भक्ति की जाती है भगवान से मिलने के लिए। भक्ति इज डन टू मीट गॉड। परंतु वो फिर कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। बट दे देन से गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। तो फिर भक्ति ही बेकार हो गई। देन भक्ति इटसेल्फ इज अ वेस्ट। अगर सर्वव्यापी है फिर ऊपर की ओर मुंह करके याद क्यों करते हैं। If he is omnipresent, why do they remember him facing upwards? Hey Prabhu, hey Bhagwan. Oh Prabhu, oh God. ऐसे इशारा करते हैं ऊपर की ओर, तो जरूर ऊपर में है ना? They indicate this way upwards, so he is certainly above, isn't he? कहते भी हैं भगवान को घर बैठे आए ज्ञान देना है। They also say God has to come and give knowledge while you are sitting at home. वो ही ज्ञान का सागर है। He himself is the ocean of knowledge. मनुष्य फिर इस सूर्य को देवता समझ लेते हैं। सूर्य भगवान। The human beings then consider this sun to be God, the sun God. अब बाबा तो बताते हैं कि देवताएं हैं ही नंबर 3 ब्रह्मा विष्णु शंकर। नाउ बाबा सेज देयर आर जस्ट 3 डेटीज ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाकी तो देवताओं का देवलोक वो अलग है। एज फॉर द रेस्ट द डेटी वर्ल्ड ऑफ द डेटीज इज सेपरेट। ये है मनुष्य लोक। This is the human world. देवलोक और मनुष्य लोक। The deity world and the human world. अंतर क्या हुआ? What is the difference? मनुष्यों का मन चलायमान रहता है। The human mind is unstable. देवताओं का मन तो स्थिर रहता है। The mind of deities is certainly stable. चलायमान थोड़ा ही होता। It doesn't become unstable. तो देखो और कोई को हम देवता नहीं कहेंगे। So look, we don't call anyone else a deity. सूर्य और ये चंद्रमा जो स्थूल में दिखाई देते हैं वो भी देवता नहीं है। The sun and this moon which are visible physically aren't deities either. लेकिन उनको देवता कहते क्यों हैं? Then why are they called deities? सूर्य देवताय नमः, चंद्र देवताय नमः। I bow to the sun deity, I bow to the moon deity. जरूर चैतन्य में हैं, तो देवता कहा जाता है। Definitely, they are in the living form, so they are called deity. वो सदैव सुख देते हैं। They always give happiness. चंद्रमा भी सुखदाई है, सूर्य भी सुखदाई है, तो उनको देवता कहा जाता है। The moon as well as the sun gives happiness, so they are called a deity.
और जो दुख देने वाले हैं उनको देवता थोड़े कहेंगे। एंड दोज हु गिव सोरो वोंट बी कॉल्ड डेटी, उनको तो डेविल कहा जाता है। इन फैक्ट दे आर कॉल्ड डेविल। तो ये सूर्य चांद भी सुख देने वाले हैं। सो दिस सन एंड मून ऑल्सो गिव हैप्पीनेस। जो अच्छी सेवा करने वाले होते हैं उनको देवता कहा जाता है। दोज हु डू गुड सर्विस आर कॉल्ड डेटी। ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा भी बाबा सबको सुख देते हैं। बाबा गिव्स हैप्पीनेस थ्रू ब्रह्मा विष्णु शंकर एज वेल। घर में भी अच्छे बच्चे होते हैं तो कहा जाता है ये तो जैसे देवता है। ऑल्सो एट होम वेर देर आर गुड चिल्ड्रन दे से दिस वन इज लाइक अ डेटी। क्योंकि देवताएं होते ही है सुख देने वाले। बिकॉज द डेटीज आर सर्टनली द वंस हु गिव हैप्पीनेस। जो असुर हैं वो हैं दुख देने वाले। द डीमंस आर द वंस हु गिव सोरो। तो अब बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे इन दुख देने वाले मायावियों पर जीत पहनो। सो नाउ द फादर सेज माय बिलोवेड चिल्ड्रन बिकम विक्टोरियस ओवर दीज डिसीवर्स हु गिव सोरो। ये भारत का सहज राजयोग है। दिस इज द इजी राजयोग ऑफ भारत। जो सहज राजयोग फिर मैं तुमको ही सिखलाता हूँ। आई देन टीच द इजी राजयोग ओनली टू यू। ये सन्यासी उदासी राजयोग नहीं सीख सकते हैं। दी सन्यासी उदासी कांट लर्न राजयोग। उदासी दोज हू बिकम सैड थिंकिंग एवरीथिंग इज फॉल्स एंड मोमेंटरी। ये सत्युग की ऊंचते ऊंच प्राप्ति करने का योग है। दिस इज द योग फॉर अटेनिंग द हाईएस्ट ऑफ द हाई अटेनमेंट्स ऑफ द गोल्डन एज। वहां सत्युग में महान पवित्र आत्माएं रहती है। देयर इन द गोल्डन एज देयर आर ग्रेट प्योर सोल्स। कहेंगे राजयोग है ही सत्युग में। इट विल बी सेड देयर इज राजयोग ओनली इन द गोल्डन एज। तो जरूर सत्युग की स्थापना भी चाहिए। सो द गोल्डन एज नीड्स टू बी एस्टैब्लिश्ड फॉर श्योर। और वो सत्युग की स्थापना कोई मनुष्य थोड़े ही करेंगे। एंड नो ह्यूमन बींग विल डू दैट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द गोल्डन एज। कौन करेंगे फिर? हु विल डू इट देन? मनुष्य जिनका मन चंचल होता है वो सत्युग की स्थापना कैसे करेंगे? ह्यूमन बींग्स हुज माइंड इज अनस्टेबल हाउ कैन दे एस्टैब्लिश द गोल्डन एज। जो मनुष्य से देवता बनेंगे वो सत्युग की स्थापना करेंगे। दोज हु बिकम अ डेटी फ्रॉम अ ह्यूमन बींग विल एस्टैब्लिश द गोल्डन एज। कराने वाला है बाप। द वन हु हैज इट डन इज द फादर। तो कहेंगे क्रिएटर ही स्थापना करेंगे। सो इट विल बी सेड द क्रिएटर हिमसेल्फ विल डू द एस्टैब्लिशमेंट। नई दुनिया रचने के लिए जरूर पुरानी दुनिया में आना पड़े। ही विल सर्टनली हैव टू कम टू द ओल्ड वर्ल्ड टू क्रिएट द न्यू वर्ल्ड। तो अब बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूँ पुरानी दुनिया में। सो नाउ द फादर सेज आई हैव कम टू द ओल्ड वर्ल्ड। मैं कल्प कल्प आए सत्युग की दुनिया की स्थापना करके भारत को सच्चा स्वराज्य देता हूँ। आई कम साइकिल आफ्टर साइकिल एस्टैब्लिश द गोल्डन एज वर्ल्ड एंड गिव द ट्रू सॉवरेंटी टू भारत। अभी तुम समझ गए हो। नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि हम और तुम हूबहू वो ही हैं जो कल पहले थे। I and you are exactly the same ones who existed a cycle ago. तुम भी कहते हो मैं तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, तुम पर ही बलिहार जाऊं। You also say I will sit with you alone, eat with you alone,
एंड सेक्रीफाइस माई सेल्फ ऑन यू अलोन। ये भारत में ही गाया जाता है। दिस इज संग ओनली इन भारत। विदेशों का गायन नहीं है। इट इज एंड संग इन द फॉरेन कंट्रीज। तो ये सारा खेल खास भारतवासियों के ऊपर है। So this entire play is especially made on the residents of Bharat. बेहद का खेल है। It is an unlimited play. जो past होता जाता है, उसकी फिर कहानियां बैठ बनाते हैं। What becomes past is then made into a story. ये संगम युग की कहानी में थोड़ी भूल कर दी है। They have made a little mistake in the story of the confluence age. इस संगम युग की ही बैठ कहानियां बनाई हैं। They have sat and written stories of this confluence age itself. परंतु जो भी कहानियां बनाई हैं शास्त्रों में, उनमें कोई सार नहीं रहा है। But whatever stories have been made in the scriptures, there is no essence left in them. सार नहीं रहा है, माना पहले सार था। There is no essence left means that there was essence before. दुनिया की हर चीज पहले पहले सतो प्रधान होती है। Everything in the world is at first सतो प्रधान। तो सारवान है। So it is full of essence. तमो प्रधान बनती है तो निसार हो जाती है। When it becomes तमो प्रधान, it becomes without essence. तो इस शास्त्रों में भी पहले पहले कुछ सच्चाई थी। So there was some truth also in the scriptures at first. वेद शास्त्र जप तप आदि अभी इन कोई में सार नहीं रहा है। The Vedas, the scriptures, chanting and tapasya etc. There is no essence in any of these now. कहेंगे सच्चा सुख तो स्वर्ग में ही मिलता है। It will be said that the true happiness is found in heaven alone. वहां देवताओं का राज्य था। There was the rule of the deities there. परंतु कल्प की आयु लाखों वर्ष कहने से कहां का कहां सतयुग आदि को उड़ाए ले गए हैं। But because of saying the cycle to be 100,000s of years, they have made the beginning of the golden age so distant. वास्तव में तो धर्म युद्ध है ही ये है। Actually, this is the very war of justice. और फिर उनसे वृद्धि होती है तो ये टाल टालियां निकल पड़ती है। And later, when they multiply, these branches come out. और कोई का नाम निशान नहीं है। There is no name and trace of anyone else. और जो भी है वो खुद सभी अपने प्रिसेप्टर को याद करते हैं। All the others who exist, they themselves remember their preceptor. भारतवासियों ने कृष्ण का नाम उल्टा डाल दिया है। The Bharatvasis have wrongly put the name of Krishna. अभी बाबा उल्टा समझाते हैं। Now the father explains the right thing. उल्टा समझने से हम स्वर्गवासी बन जाएंगे। By understanding the right thing, we will become the residents of heaven. सुल्टा सिर्फ कहने की बात नहीं है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव है। The right thing is not just for saying that God of the Gita is not Krishna, it is Shiv. परंतु ये समझना भी तो है कि गीता का भगवान कृष्ण कैसे नहीं है, शिव कैसे है। However, you should also understand that how Krishna is not God of the Gita, how it is Shiv. बाबा तो समझाते हैं कैसे इन विकारों पर पूरी जीत पानी है। बाबा certainly explains how to win over these vices completely. हमको तो शुद्ध अहंकार है। We do have pure pride. समझते हैं हम भारत के मालिक बनेंगे। We understand that we will become the rulers of Bharat. मनुष्य धन का लोभ करते हैं
तो उसमें पाप आदि बहुत कर लेते हैं। ह्यूमन बींग्स हु आर ग्रीडी फॉर मनी कमिट अ लॉट ऑफ सिन इन दैट। दुनिया में भी राजा ही आज लेने के लिए लड़ाइयों में कितने पाप आदि किए हैं। इवन इन द वर्ल्ड फॉर एक्वायरिंग किंगशिप एटसेट्रा दे हैव कमिटेड सो मेनी सिंस एटसेट्रा इन द बैटल्स। कितनी हिंसा करते हैं, दे क्रिएट सो मच वायलेंस। और तुम बच्चे तो कुछ भी हिंसा नहीं करते हो। वेयर एज यू चिल्ड्रन डोंट कमिट एनी वायलेंस। लड़ाई तो तुम्हारी भी है, योर्स इज ऑल्सो बैटल। तो बाबा ने ड्रामा में तुम्हारे लिए कितनी अच्छी युक्ति बताई है। सो बाबा हैज सेड सच अ गुड मेथड इन द ड्रामा फॉर यू। हम बुद्धि योग बल से राजा ही प्राप्त कर लेते हैं। वी एक्वायर द किंगशिप थ्रू द पावर ऑफ योग ऑफ द इंटेलेक्ट। हमारे लिए लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बैटल एटसेट्रा फॉर अस। 9-2-62 की वाणी का तीसरा पेज, थर्ड पेज ऑफ द वाणी डेटेड 9-2-1962। अब हम योगी हैं। नाउ वी आर योगीज। तो योगी का योग कोई से तो होगा ना। सो अ योगी विल हैव योग विद समवन, वोंट ही। वो कहते हैं हमारा ब्रह्म से योग है। दे से देयर योग इज विद ब्रह्म। अब ब्रह्म तो जड़ तत्व है। वेल ब्रह्म इज सर्टनली एन इनर्ट एलिमेंट। जड़ तत्व से योग लगावेंगे तो क्या बनेंगे। इफ यू हैव योग विद एन इनर्ट एलिमेंट व्हाट विल यू बिकम। जड़ बुद्धि ही बनेंगे। यू विल सर्टनली बिकम द वन विद इनर्ट इंटेलेक्ट। फिर भी बाप कहते हैं कि ब्रह्म में लीन तो कोई होता ही नहीं। स्टिल द फादर सेज नो वन मर्जेस इन द ब्रह्म एट ऑल। ब्रह्म लोक में जो भी जाते हैं सबको वापस आना ही पड़े। Whoever goes to the supreme abode, they will certainly have to come back. वो कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जावेंगे फिर कभी वापस आवेंगे ही नहीं। They say we will merge in the Brahma and will never come back again. अगर ऐसा हो तो फिर दो चीजें हो जाए। If that is the case, it is something contradictory. साधना तो जरूर किसी की जाती है। साधना डीप और लॉन्ग स्टैंडिंग डिवोशन इज डेफिनेटली शोन टू समवन। साधना करने वाले साधु कहे जाते हैं। द वन हु डज साधना इज कॉल्ड अ साधु। वो समझते हैं कि हम ब्रह्म से निकले हैं तो हम ब्रह्म में ही समा जावेंगे। दे थिंक वी हैव कम आउट फ्रॉम द ब्रह्म सो वी विल बी असिमिलेटेड इन द ब्रह्म इटसेल्फ। ब्रह्म में लीन हो जावेंगे। वी विल मर्ज विद द ब्रह्म। तो फिर दो चीजें हो गई। सो इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी। उन बिचारों को बाप का पूरा ज्ञान तो है नहीं। दोस पुअर फेलोज सर्टनली डोंट हैव द फुल नॉलेज ऑफ द फादर। ये भी उनके लिए कहेंगे कि सब ड्रामा में नूद है। इट विल ऑल्सो बी सेड फॉर देम दैट एवरीथिंग इज प्रीऑर्डेंट इन द ड्रामा। ड्रामा में उनके लिए रंग भी है और तुम्हारे लिए तो राइट है। इट इज रॉन्ग फॉर देम इन द ड्रामा एंड फॉर यू इट इज राइट फॉर यू। पावन भी है तो पतित भी है। There are the impure ones as well as the pure ones. और ड्रामा अनुसार पतित बनना भी है। And as per the drama, you have to become impure as well. तुम जानते हो कि पहले हम देवता थे फिर बाद में पतित कैसे बने, ये भी हमारा ड्रामा बना हुआ है। You know, we were a deity at first. Then how we became impure? This is made in the drama for us. ड्रामा को समझ के ही पुरुषार्थ किया जाता है। पुरुषार्थ इज मेड ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द ड्रामा।
पुरुषार्थ करना अर्थात कर्म करना। टू मेक पुरुषार्थ मीन्स टू परफॉर्म कर्म। पुरुष आत्मा को कहा जाता है। सोल इज कॉल्ड पुरुष। आत्मा शरीर रूपी पुरी में रहती है ना। द सोल लिव्स इन द अबोड लाइक बॉडी डजंट इट। तो पुरुषार्थ कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड पुरुषार्थ। अर्थात आत्मा के लिए जो किया जाए, जो भी कर्म किया जाए, वो पुरुषार्थ हुआ। दैट मीन्स व्हाटएवर इज डन फॉर द सेक ऑफ द सोल, व्हाटएवर एक्शन इज परफॉर्म्ड, इट इज पुरुषार्थ। देह के लिए किया जाए तो पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। इफ इट इज परफॉर्म्ड फॉर द सेक ऑफ द बॉडी, इट वोंट बी कॉल्ड पुरुषार्थ। तुम्हारा कोई कर्म संन्यास भी नहीं है। Yours is not any karma sannyas either. Karma sannyas, detachment from actions. तुम्हारा तो कर्म योग है। Yours is certainly karma yog, meaning yog while doing actions. ये घर बाहर छोड़ना आदि अक्षर ही रंग हो जाता है। This word, leaving the household etc., itself is wrong. ये अक्षर सब झूठे हैं। All these words are false. तो ये पॉइंट भी लिखना पड़े। ये संन्यास अक्षर राइट अक्षर है। You should also write this point. This word संन्यास is correct. सम माने संपूर्ण, न्यास माने त्याग। सम मीन्स कम्प्लीट एंड न्यास मीन्स सेक्रीफाइस। उनका घर बार छोड़ना भी राइट है। देयर लिविंग द हाउस होल्ड इज राइट। परंतु कर्म का संन्यास अक्षर ये रंग हो जाता है। बट द वर्ड डिटैचमेंट फ्रॉम कर्म, कर्म संन्यास इज रॉन्ग। कर्मेंद्रियां हैं तो कर्म तो जरूर करना पड़ेगा। देर आर द कर्मेंद्रिया, so you will certainly have to do karma. आंखें हैं तो देखेंगी। There are eyes, so you will see. बाबा को खांसी हुई। बाबा coughed. देखो ये खांसी भी बोलने लग पड़ी। Look, this cough has started. विकारों से मनुष्य कैसे चित्ती बन जाते हैं। हाउ द ह्यूमन बींग्स बिकम फास्ट चित्ती बिकॉज ऑफ द वाइसेस। अभी हम फिर निर्विकारी बनने में चित्ती बनते हैं। नाउ वी बिकम चित्ती इन बिकमिंग वाइसलेस। तुम बच्चों को तीखा पुरुषार्थ तो जरूर करना है। यू चिल्ड्रन शुड डेफिनेटली मेक इंटेंस पुरुषार्थ। साधारण पुरुषार्थ से काम चल न सके। Ordinary पुरुषार्थ won't work. जैसे तीखी अग्नि होती है तो सोना गलाया जाता है। For example, when the fire is intense, gold is melted in it. उसमें से खाद अलग हो जाती है। The impurities separate from it. तो तुमको भी तीखा पुरुषार्थ करना पड़े। So you should also make intense पुरुषार्थ. भक्ति मार्ग में तो फिर पूरा विकारी बनने के लिए तीखा पुरुषार्थ करते हैं। इन द पाथ ऑफ भक्ति दे मेक इंटेंस पुरुषार्थ फॉर बिकमिंग विशियस। हमको फिर निर्विकारी बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। वी देन हैव टू मेक पुरुषार्थ फॉर बिकमिंग वाइसलेस। अपना राजभाग लेने के लिए चित्ता पुरुषार्थ करना है। वी हैव टू मेक फास्ट पुरुषार्थ फॉर एक्वायरिंग द शेयर ऑफ अवर किंगशिप। कोनों का तो गिरने के लिए चित्ता पुरुषार्थ है और हमारा चढ़ने के लिए चित्ता पुरुषार्थ है। Theirs is first पुरुषार्थ for falling, whereas ours is first पुरुषार्थ for climbing up. मायाजीत बनने के लिए हम चित्ता पुरुषार्थ करते हैं। We make चित्ता पुरुषार्थ for becoming victorious over माया। डायरेक्शन तो सब प्रकार की तुम बच्चों को मिलते रहते हैं। You children keep getting all kinds of directions.
परंतु उसमें भी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बट इवन इन दैट यू शुड यूज योर इंटेलेक्ट। ऐसे भी नहीं है कि यहाँ आकर के सब बैठ जाएंगे। इट इजंट दैट ऑल विल कम एंड सिट हियर। ऐसे तो दुनिया में गरीब आदि बहुत होते हैं। इन दैट केस देयर आर मेनी पुअर एटसेट्रा इन द वर्ल्ड। ऐसे भी होगा कि आगे चल के ऐसे आएंगे जो कहेंगे हम आपके दर पर आए हैं, हमको शरण दे दो, एस्लम दे दो। इट विल ऑल्सो हैपन दैट इन फ्यूचर सच वंस विल कम हु विल से वी हैव कम टू योर डोर, गिव अस रेफ्यूज, गिव अस असाइलम। ऐसे भी आएंगे। सच वंस विल ऑल्सो कम। गवर्नमेंट भी एस्लम देती है ना। द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स असाइलम, डजंट इट? जो बाहर के देशों से शरणार्थी आते हैं उनको शरण देती है। दे गिव असाइलम टू द रेफ्यूजीज हु कम फ्रॉम द कंट्रीज आउटसाइड। जब आज की गवर्नमेंट असलम देती है तो भगवान असलम नहीं देंगे क्या? When today's government provides asylum, won't God provide asylum? ऐसे भी बहुत मस्त आ जाएंगे। Many carefree ones who say so will come. तो बच्चों को शुद्ध मार्ग अपनाना है। So the children have to adopt a pure path. और चित्ता पुरुषार्थ करना चाहिए। And they should make fast पुरुषार्थ। और संग बुद्धि का योग तोड़, तुम एक संग जोड़ो। ब्रेक द कनेक्शन ऑफ द इंटेलेक्ट विद अदर्स एंड जॉइन इट विद द वन। और जब तोड़ करके फिर जोड़ा है तो फिर ठीक से तोड़ भी निभाना है। एंड व्हेन यू हैव ब्रोकन एंड जॉइंड इट यू शुड ऑल्सो डील टैक्टफुली इन द करेक्ट वे। तो अंत मत सुगति हो जाएगी। देन यू विल अटेन द डेस्टिनेशन एज पर योर लास्ट थॉट्स। दुनियावी कमाई करते हैं उसमें भी चित्ता पुरुषार्थ किया जाता है। इवन इन द वर्ल्डली अर्निंग दे मेक फास्ट पुरुषार्थ। तो सफलता मिल जाती है। देन दे गेट सक्सेस। हम किसी को अगर थोड़ा पैसा देवे तो 8 घंटे की बदली 12 घंटे भी काम करेंगे। इफ वी गिव अ लिटिल मनी टू समवन दे विल वर्क फॉर इवन 12 आवर्स इंस्टेड ऑफ 8 आवर्स। कहेंगे हम काम में बड़े चित्ते हैं। दे विल से वी आर वेरी फास्ट इन अवर वर्क। तुम्हारी भी बहुत कमाई है। यू ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ अर्निंग। बाबा भी कहते हैं अधिक कमाई करनी है तो सर्विस के लिए चित्ते बन जाओ। बाबा ऑल्सो सेज इफ यू वॉन्ट टू अर्न मोर बिकम फास्ट इन सर्विस। बहुतों को स्वर्गवासी बनाने का पुरुषार्थ करो। मेक पुरुषार्थ ऑफ मेकिंग मेनी द रेजिडेंट्स ऑफ हेवन। है मने चीता होता है ना। स्टूडेंट What does chitta mean? It means there is chitta, isn't there? तो जब वो अंदर ठान लेता है तो तीखी दौड़ दौड़ता है या हल्की दौड़ दौड़ता है? When it makes a resolve from within, does it run fast or slow? तुम्हारा भी दौड़ लगाने का पुरुषार्थ है। Yours is also the purusharth of running. जितना जितना तुम योग में रहेंगे तो मनुष्यों का भी बुद्धि योग कुछ न कुछ अच्छा बनता जाएगा। द मोर यू रिमेन इन योग द योग ऑफ द इंटेलेक्ट ऑफ द पीपल विल ऑल्सो बिकम गुड टू सम एक्सटेंट। बहुतों को स्वर्गवासी बनाने का पुरुषार्थ करना है। यू शुड मेक द पुरुषार्थ ऑफ मेकिंग मेनी द रेजिडेंट्स ऑफ हेवन। तुम्हारी बुद्धि योग का वायुमंडल जब ठीक हो जाएगा तो दुनिया वालों के ऊपर उसका असर पड़ेगा।
When the atmosphere, due to the connection of your intellect, becomes right, it will have an effect on the people of the world. फिर तुम्हारे पास बहुत आवेंगे. Then many will come to you. और तुम्हारे बहुत सेंटर्स खुलते जावेंगे. And many centers of yours will keep opening. दिन प्रतिदिन सुधरना होता है. Day by day you have to improve. कोई तो फिर गिरते भी हैं. Many then fall as well. ग्रहचारी लग जाती है ना. They come under the planetary influence, don't they? कैसे गिरते हैं? They fall due to what? है? क्या बताया? What was said? क्या लग जाती है? What happens to them? ये क्या होता है? Students, planetary influence. What is this? नवग्रह है ना. There are the 9 planets, aren't there? ऊंचते ऊंच कौन सा ग्रह है? Which is the highest planet? बृहस्पति. The Jupiter. बृहस्पति की ग्रहचारी लगती है तो ऊंच चले जाते हैं. When there is the eclipse of the Jupiter, they rise high. और नीचे ग्रह की ग्रहचारी लगेगी शनिदेव राहुदेव की तो क्या होगा? And when they are eclipsed by the lower planets, Shani Dev, the deity Saturn, Rahu Dev, a fictitious planet which is known to cause evil planetary influence, what will happen? तो नीचे गिरेंगे? They will fall. संघ के रंग की सारी बलियारी है. All the credit goes to the color of the company. काम विकार से थप्पड़ खा के गिर पड़ते हैं. They fall by being slapped. By the vice of lust. कोई तो फिर गिर करके भी चढ़ पड़ते हैं. Some then rise even after falling. और कोई तो बिल्कुल खलास हो जाते हैं. While some are completely finished. नाम रूप में फंस पड़ते हैं या तो कोई उल्टे कर्म हो जाएंगे. They are either entangled in the name and form, or they will perform some wrong action. जो नहीं बतलाते हैं वो तो फिर गुप्त में गिरते ही रहेंगे. Those who don't tell the father, they will keep falling in secret. यदि कोई समझते हैं कि फलाना गिर रहा है तो क्या करना चाहिए? If someone understands that such and such one is falling, what should they do? तो झट बतलाना चाहिए तो उनको सावधानी मिलेगी. They should tell him immediately, so that he will be cautioned. देखने वाले का भी कुछ न कुछ पाप कर्म बच जाता है. The one who sees others fall also accumulates sin to some or the other extent. यदि नहीं बतलाते हैं तो जैसे उनको गिराने के खुद निमित्त बन जाते हैं. If they don't tell the father, it is as if they themselves become responsible for making them fall. उनका बेड़ा गर्क कराने के निमित्त बन जाते हैं. They become instruments for drowning them. तो उनको सावधानी दिलाने के लिए बताना चाहिए, झट बताना चाहिए. So, in order to caution them, you should tell immediately. क्योंकि हम तो हैं ही सब के कल्याणकारी. It is because we are certainly beneficial to everyone. हमारा बाप कौन है? Who is our father? शिव माने कल्याणकारी. शिव means beneficial. तो हमको तो सब का कल्याण करना है. So we should bring benefit to everyone. ऐसे नहीं कि कोई गिरता है तो गिरने दो, जो करेगा सो पावेगा. It shouldn't be the case that if someone is falling, you think, let him fall. As you sow, so you reap. अरे गिर तो रहा है, लेकिन देख किसने लिया? अरे, he is certainly falling, but who has seen him fall? गिरने वाले को देख लिया ना?
यू सॉ द वन हु इज फॉलिंग डिडंट यू। तो देख लिया तो देखने वाले की जिम्मेवारी हो जाती है कि उसको गिरने से बचाए। सो यू सॉ देन इट बिकम्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वन हु सॉ दैट ही शुड सेव हिम फ्रॉम फॉलिंग। तो समझाना है। सो यू शुड एक्सप्लेन कि तुम पर करी ग्रहाचारी लगी है। देयर इज ग्रेट प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस ऑन यू। तुम गिर रहे हो। यू आर फॉलिंग बल तुमको पता नहीं पड़ता है। ऑल्दो यू डोंट नो तो भी उनको उठाना चाहिए। स्टिल यू शुड पिक हिम अप। गिरे हुए को जो उठाते हैं उन्हीं को सच्चा मित्र कहा जाता है। द वन हु पिक्स अप दोज हु आर फॉलन इज कॉल्ड अ ट्रू फ्रेंड। देखते हुए भी समझते हुए भी उल्टा काम करने में किसी को पुष्टि नहीं देनी चाहिए। इन स्पाइट ऑफ सीइंग इट हैपन इन स्पाइट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट यू शुडंट एनकरेज समवन टू डू अ रॉन्ग डीड। कर्मेंद्रियों को अलाउ नहीं करनी चाहिए देखने का। यू शुडंट अलाउ द कर्मेंद्रिया टू सी इट कि कोई उल्टा कर रहा है तो बस देखते रहो साक्षी होकर के। दैट समवन इज डूइंग रॉन्ग एंड यू कीप वॉचिंग हिम एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर। नहीं नो ये आंख जो कर्मेंद्रिय है। दीज आईज द कर्मेंद्रिया। कर्मेंद्रिय तो नहीं है। दे आर सर्टनली नॉट द कर्मेंद्रिया। कौन सी इंद्रिय कही जाती है। विच इंद्रिया आर दे कॉल्ड। आंख ज्ञान इंद्रिय है। द आईज आर द ज्ञान इंद्रिय। तो ये सबसे बड़ा धोखा देने वाली है। सो दीज आर द वंस दैट डिसीव द मोस्ट। सूरदास का आंख निकालने का मिसाल देते हैं। दे गिव द एग्जाम्पल ऑफ सूरदास रिमूविंग हिज आईज। परंतु यहाँ कोई आंख निकालने की बात नहीं है। बट हियर इट इजंट अबाउट रिमूविंग द आईज। अपन को गंदी दृष्टि से बचाना है। वी शुड सेव अवरसेल्व्स फ्रॉम डर्टी विजन। उस ओर से आंख हटाए देना चाहिए। यू शुड लुक अवे फ्रॉम देयर। अगर देखते ही रहेंगे तो रिजल्ट क्या होगा। इफ यू कीप लुकिंग व्हाट विल बी द रिजल्ट। हैं? अगर देखते ही रहेंगे तो आखिरीन फिर खुद भी फंस मरेंगे। इफ यू जस्ट कीप लुकिंग अल्टीमेटली यू योरसेल्फ विल बी एंट्रैप्ड एंड डाई। ओम शांति। ओम शांति।